उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा भूपाल सिंह अस्पताल के कैंसर वार्ड में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग कैंसर वार्ड से शुरू होकर धीरे धीरे आईसीयू तक पहुंच गई और जिससे एक तो मरीज और उनके परिजनों की जान सकते में आ गई और इसके साथ ही अस्पताल प्रशासन में भी खलबली मच गई। आग की सूचना पर 8 से 10 दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत से इस आग को काबू में किया। सूचना पर जिला कलेक्टर आनंदी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। आग लगने के बाद वार्ड में भर्ती मरीजों को स्ट्रेचर और अन्य साधनों से जैसे तैसे बाहर निकाला गया। फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है, लेकिन सही वजह अभी तक भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। उसके पास तो शॉर्ट सर्किट हुआ, अभी प्रिलिमिनरी ये है, बाकी अभी इंक्वायरी करेंगे। अभी हमारा मेन इंटेंशन मरीजों पे है ताकि वो किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो। देखिए अभी अभी हमारी कोशिश यही है कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है, सारे मरीजों को मेडिकल आईसीयू इमरजेंसी में भिजवा रहे हैं और बाकी वार्डो में इमरजेंसी आईसीयू में राउंड चल रहे थे प्रोफेसर के, और मैं और डॉक्टर पटिया क्या सर डायलिसिस के लिए पेशेंट को डायलिसिस पे लिया था। 15 मरीज थे जो बहुत सिक थे, 2 पेशेंट वेंटिलेटर पे थे, बहुत सारे मरीज हाइपोटेंशन में थे, और उसके बाद अचानक भगदड़ सी महसूस हुई और इधर से धुआं धुआं दिखा पिछले वाले कोने से आईसीयू से। तो हमें तुरंत भागने में देर नहीं लगी कि कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा होने को है। हमने तुरंत साइड को देखा कि धुआं कहाँ से आ रहा है और ये पता लग गया कि पीछे से बहुत भयंकर आग की लपटें आ रही हैं जो तुरंत ही इस वार्ड को इमरजेंसी आईसीयू को घेर सकती है। हमने 15 जो पेशेंट थे, सबसे पहले उनमें जो वेंटिलेटर पे जो पेशेंट थे उनको वेंटिलेटर हटा के वेंस, एक जीवन रक्षक सर्किट होता है जो ऐसे ही वक्त पे काम आता है कि इन पेशेंट को तुरंत उस पर शिफ्ट किया, तो हमने उनको वेंस सर्किट पर लिया और उनको बाहर निकाल के और उन्हें दूसरे आईसीयू में शिफ्ट करा के तुरंत